दुर्ग में अभी 11,000 केसेस पेंडिंग है नेगोशिएबल के, 11,632 केस हमने कल पूरा डाटा मंगा के चेक किया है पूरे स्टेट का। आप कितने दिन में केस को खत्म कराना चाहते हैं उतने दिन का तारीख बता दो, हम उस दिन में खत्म कर देंगे। आप ट्रायल कोर्ट में जितनी जल्दी चाहते हो उस दिन में हम केस खत्म करा देंगे, बताओ 3 महीना 6 महीना 9 महीना 11 महीना। यस मिस्टर, क्या 138 का है? हाँ, इसमें चेक जो है एक्यूज नंबर 2 ने काटा था, योरशिप हस्बैंड है वो, मेरे को भी एक्यूज बना दिए हैं योरशिप, जबकि ना तो मेरा ज्वाइंट खाता है ना मेरी दुकान में मैं पार्टनर हूँ, वाइफ हूँ। कौन तय करेगा वो सब? वो तो देखिए एविडेंस में तय होता है। नहीं लेकिन वो आप छूट जाओगे लेकिन कंप्लेंट में मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल आपकी हर बात को मान रहे हैं पूरे परिवार। अच्छा ट्रायल सुको ना, ट्रायल कितने दिन में खत्म कराना है ये बताओ, कहाँ कैसे ये रायपुर का है क्या? नहीं ये दुर्ग का है। हाँ दुर्ग में अभी 11,000 केसेस पेंडिंग है नेगोशिएबल के, 11,632 केस हमने कल पूरा डाटा मंगा के चेक किया है पूरे स्टेट का। लेकिन 138 आप कितने दिन में केस को खत्म कराना चाहते हैं उतने दिन का तारीख बता दो, हम उस दिन में खत्म कर देंगे। 11,632 केस पेंडिंग है दुर्ग में, हम आपके केस को टॉप प्रायोरिटी में डिसाइड करवाने का डायरेक्शन दे देते हैं, बताइए यू गिव अस अ टाइम। आप टाइम तो बताइए मिस्टर योरशिप, मेरा रोल ही नहीं है योरशिप, वो हमने तय करी है। माय लॉर्ड काइंडली पेरूज द कंप्लेंट योरशिप। अब वो अपीलेट कोर्ट ने ये बोल दिया कि देयर इज नो सच प्रोविजन ऑफ डिस्चार्ज इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, देयरफॉर बेनिफिट कैन नॉट। आप ट्रायल कोर्ट में जितनी जल्दी चाहते हो उतनी देर में हम केस खत्म करा देंगे, बताओ 3 महीना 6 महीना 9 महीना 11 महीना व्हाट यू वांट। मैं तो यहां डिस्चार्ज नथिंग डूइंग। देखो भाई वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि जिसमें विकारस वो जो डायरेक्टर वगैरह है कि नहीं उनकी वो सब चीजें जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लीडिंग को प्रूफ करेंगे तभी एक्यूज माना जाएगा, है ना। ये दिस इज योर सबमिशन दैट कैन बी डन इन दी एविडेंस ओनली, लिखो। बट प्राइमा फेसे एलिगेशन हैज टू बी मेड इन दैट विल बी लुक्ड इनटू भाई, कुछ भी ट्रायल में तो 4 महीने में हो जाएगा पीसी, खत्म करो। लिखो भाई द प्रेजेंट सीआरएमपी हैज बीन दिस सीआरएमपी अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी हैज बीन फाइल्ड बाय द प्रेजेंट एमपी असेलिंग द ऑर्डर डेटेड 2/11/2023 पास इन क्रिमिनल रिविजन नंबर 284/2023 एज वेल एज ऑर्डर डेटेड 27/7/2023 पास बाय द लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निगोशियबल लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फोर्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दुर्ग इन केस नंबर RCC 2397/2023 ऑन 26/7/2023 बाय विच द लर्नेड ट्रायल कोर्ट हैज रिजेक्टेड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 239 ऑफ द सीआरपीसी फाइल्ड बाय द प्रेजेंट एप्लीकेंट।